हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन जेएस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन जेएस जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसे नोड के शब्दों में रेडी किया गया है। इसके माध्यम से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन जेएस सीखने के लिए एटलीस्ट आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नोड जेएस के शब्दों में इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, इसलिए आपके सिस्टम में नोड जेएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन पे काम कर पाओगे। सो आप नोड जेएस डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करो। आप सर्च कर लो नोड जेएस और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लो। जब नोड जेएस आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाए तो अब आपको इलेक्ट्रॉन इंस्टॉल करना होगा। इलेक्ट्रॉन इंस्टॉल करने के लिए आप राइट करो npm install electron-g। इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, इंटरनेट स्पीड के अनुसार इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोडिंग इजीली कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के शब्दों में डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप कैसे बनाओगे, जरा आप इसको जानो। सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन से एप्लीकेशन बना कर रखेंगे। सिंपली पहले डेस्कटॉप को एक्सेस कीजिए, फिर इसके बाद डेस्कटॉप से एप्लीकेशन फोल्डर को इस तरह से एक्सेस कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन से एप्लीकेशन बनाकर ऐप नाम के फोल्डर में रखने के लिए सबसे पहले आपको एक जेसन फाइल क्रिएट करना होगा। उस जेसन फाइल में आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि एप्लीकेशन का नाम क्या है और उसका वर्जन क्या है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जेएस में एप्लीकेशन बनाएंगे, पहले जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए आप राइट करो npm init -y। उसके बाद आप एंटर प्रेस करो। ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद जब क्रिएट हो जाएगा तो ऐसा आउटपुट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपली आप ऐप फोल्डर के अंदर जाओगे और जो फाइल क्रिएट हुआ है उसको आप एडिट कर लो। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हो, जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है। सपोज कीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉन से ब्राउजर नाम की एप्लीकेशन बनाते हो तो आप अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर राइट कर दोगे। ओके, अब इसके बाद एप्लीकेशन का विंडो क्रिएट करेंगे। जैसे ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर किस में डिस्प्ले हो रहा है, एक ऐसे विंडो में जिसमें टाइटल बार है, जिसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। हमें अपने सॉफ्टवेयर का विंडो क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पैकेज में से ऐप मॉड्यूल को एक्सेस करना होगा। जब भी आपको नोड जेएस के शब्दों में किसी पैकेज को एक्सेस करना हो, आप रिक्वायर्ड मेथड में उस पैकेज का नाम लिखेंगे, फिर उसके मॉड्यूल का नाम आप इंपोर्ट कर देंगे। मैं इसे किसी वेरिएबल में रखता हूँ। हमें दो तरह के मॉड्यूल की आवश्यकता है, पहला ऐप मॉड्यूल और दूसरा ब्राउजर विंडो। सिंपली मैं इसे विंडो नाम के वेरिएबल में रखता हूँ। अब ये जो ऐप मॉड्यूल है यानी कि ऐप वेरिएबल, इसमें आप ऑन रेडी इवेंट को पास कीजिए। ऑन रेडी इवेंट का मतलब होता है जब एप्लीकेशन का पूरा कोड रेडी हो जाएगा तब क्या होना चाहिए। हमें क्या करना है, विंडो क्रिएट करना है। सिंपली ये जो विंडो वेरिएबल है इसमें आप न्यू कीवर्ड को पास करके विंडो वेरिएबल का नाम दोगे और पैरेंथिसिस का चित्र डिफाइन कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ हमने इस विंडो वेरिएबल को ऑब्जेक्ट का रूप दिया है, यानी कि टेक्निकली हमने ब्राउजर विंडो को एक्सेस किया। बस इतना ही काफ़ी है एक सॉफ्टवेयर के विंडो को बनाने के लिए। अब ज़रा इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप इसको इंडेक्स के नाम से सेव कीजिए और एक्सटेंशन कोड जेएस डिफाइन कर दीजिए। अब सिंपली कमांड को एक्सेस कीजिए। हमारा एप्लीकेशन कहाँ है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फोल्डर है ऐप नाम का, इसी के अंदर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए
आप राइट कीजिए इलेक्ट्रॉन स्पेस डॉट, इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए एप्लीकेशन का विंडो क्रिएट हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू आपको दिखेगा और इसमें सॉफ्टवेयर का आइकन होगा और सॉफ्टवेयर का जो नाम आपने डिफाइन किया था ब्राउजर वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से क्लिक करने पे ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज होगा, यहाँ से मिनिमाइज, और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? हमें वेबसाइट को कहाँ डिस्प्ले करनी है? एप्लीकेशन के विंडो में। तो एप्लीकेशन का विंडो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप इसे किसी वेरिएबल में रख दो। जैसे मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में इसे रखा। अगर मैं एक्स राइट करूँगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला विंडो। अगर इस विंडो में हमें किसी वेबसाइट को लोड करना है तो सिंपली आप लोड यूआरएल मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डिफाइन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ https://webinstitute.com। ओके, अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए इसे कट कर दीजिए और दोबारा यहाँ पे कमांड राइट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में वेब इंस्टीट्यूट ओपन हो गया। मैं आपको रेकमेंड करूँगा APIs की ट्रेनिंग लेने के लिए या APIs कैसे डेवलप होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विज़िट करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।